अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पार्क व्यू सिटी में मैं मौजूद हूं एक नई एपिसोड के साथ। जहां पे इस वक्त खड़ा हूं मैं, ये पार्क व्यू सिटी की वो जगह है जो लोगों की सैर व तफरी के लिए जो है अपने आखिरी मराहल में जो है वो पहुंच चुकी है। ये फूड कोर्ट है पार्क व्यू सिटी का, जो कि ना सिर्फ यहाँ के लोगों को नई तफरी देगा बल्कि दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं, जो हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में आते हैं और सैर व तफरी के लिए उन्हें जगह की ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पर यहाँ पर खाने पीने के हवाले से बहुत ही एक जो है कम पॉइंट जो है वो देखने को मिलते हैं। लोगों को जैसे हम देखते हैं कि मोनाल पे जाना पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी रश होता है। उसके बाद हाईलैंड जो है वो हम देखते हैं कि आगे केपीके में लोग वहाँ पे जाते हैं, कि लोग जब यहाँ पे आते हैं तो उनका एक तो उनके लिए हम देखते हैं कि उनको ज़रूरत होती है कि वो ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पर उनको ना सिर्फ अच्छी हवा मिल सके बल्कि एक वहाँ का जो व्यू है वो एक अच्छा लुक जो है वो दे। तो इस वक्त जो फूड कोर्ट है पार्क व्यू सिटी का, वो तकरीबन अपने आखिरी मराहल में जो है वो पहुंच चुका है। बड़ी तेज़ी से जो है इसके ऊपर डेवलपमेंट जो है वो की गई है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि तमाम तर जो इसका वर्क था वो उसे तकरीबन मुकम्मल किया जा चुका है। पीछे शॉप्स जो हैं बन रही हैं ताकि मुख्तलिफ जो हम देखते हैं कि लोग आएंगे यहाँ पे मुख्तलिफ वो यहाँ पे आके बारबेक्यू और दीगर जो इंतजाम हैं यहाँ पे किए जाएंगे, मुख्तलिफ चेंज जो हैं वो यहाँ पर आएंगी और उसके बाद जो इसका माहौल है पार्क व्यू सिटी का वो तब्दील हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि सोसाइटी का एक अच्छा इंतखाब है कि उन्होंने लोगों के लिए यहाँ पे एक तफरी का ना सिर्फ इंतजाम किया है बल्कि जो दूर दराज से जो सियाह आएंगे, दूसरे ममालिक से जो सियाह आएंगे, उनको भी सोसाइटी ने यहाँ पे अपनी तरफ जो है वो खींचने की कोशिश की है ताकि ख़ासतौर पर जो ओवरसीज़ हैं वो भी यहाँ पर आएँ और अपनी जो सरमायाकारी है उसको यहाँ पर करें। क्योंकि हम देखते हैं कि जो सोसाइटी के दीगर जो यहाँ पर ब्लॉक्स हैं उनमें भी तेज़ी से इंतजाम जो हैं वो किए गए और उसके बाद बेल्टिंग हुई है बहुत सारे ब्लॉक्स की, उसके बाद पोजेशन लोगों को दी गई। उसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और दीगर जो लोग जहाँ पे रहते हैं वो हम देखते हैं कि चाहे वो पाँच मरला के ब्लॉक्स हों, चाहे वो जहाँ पे कनाल की प्लाट्स हैं और उसके बाद जहाँ पर 10 मरला के प्लाट्स हैं और दीगर जो हम देखते हैं कि बुकिंग जो हैं वो भी जारी हैं। ख़ासतौर पर हम देखते हैं कि लोगों के जो इंटरेस्ट है वो आए रोज़ यहाँ पर डिवेल्प हो रहा है और अब जो तमीरत हैं वो हम देखते हैं कि बहुत सारी जो घर यहाँ पर बन चुके हैं, लोग अब यहाँ पर आके रहना जो है वो भी शुरू हो गए हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट जो खासतौर पर डाउनटाउन यहाँ पे आ रहा है, जब वो वहाँ पे आएगा तो वो भी एक अलग किस्म की तफरी होगी। तो इस वक्त जो फूड कोर्ट है उसको बनाने का मकसद भी यही है कि लोग ना सिर्फ यहाँ पे तफरी के लिए आ सके बल्कि यहाँ पर आके अगर लोग रहेंगे तो उनके घर अगर हम देखते हैं कि यहाँ से लोगों को निकल के बाहर जाना पड़ता मोनाल की तरफ, तो यहाँ की जो सोसाइटी के ख़ासतौर पर जो यहाँ पर रह रहा होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि वो अपने इस जगह का ना सिर्फ वो बेहतर अंदाज में इंतखाब करने में उसे आसानी होगी बल्कि जो सोसाइटी की डेवलपमेंट्स है उसे देख के यहाँ पर आपको सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। अगर आप भी सरमायाकारी करना चाहते हैं तो आप यकीनी तौर पर हमारा जो ऑफिस है उज़ान मार्केटिंग का, उसको भी आप हमारे दिए गए जो एड्रेस हैं उस पर भी रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर्स जो हैं उन पर भी रब्ता कर सकते हैं ताकि आप बेहतर डेवलपमेंट भी हम आपको यहाँ पर दे सकें। और अगर आप यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहते हैं, कोई जगह ख़रीदना चाहते हैं, उस हवाले से हमारे जो नुमाइंदे हैं आपको बेहतर गाइड भी कर सकें। शुक्रिया।